दोस्तों, जब से अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे मोबाइल मिलने स्टार्ट हुए हैं रेड जोन में भी, तब से आपके मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स मिल रहे हैं कि क्या हमें अपकमिंग स्मार्टफोन्स का वेट करना चाहिए। चलिए देखते हैं, आज हम बात करने वाले हैं जून में आपको कौन कौन से फ़ोन देखने को मिलेंगे, किन का आपको वेट करना है और कौन से आपको इग्नोर करने हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं रियलमी के बारे में। रियलमी के आपको दो फ़ोन देखने को मिल सकते हैं। पहला होगा रियलमी X3, जो कि आपको मिलेगा प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट में, यानी कि 20-22 हज़ार की रेंज में। दूसरा रहेगा रियलमी X3 सुपर जूम, जो होगा एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन रियलमी की तरफ से। जो रियलमी X3 सुपर जूम है, इस फ़ोन का लॉन्च है 26 मई को यूरोप में। उम्मीद है नेक्स्ट मंथ इंडिया में ये आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 855 प्लस, और जो नॉर्मल रियलमी X3 है, यहाँ पर आपको मिल सकता है स्नैपड्रैगन 765G। दिक्कत बस ये है कि आपको रियलमी X3 में एमोलेड डिस्प्ले इस बार नहीं मिल रहा, जो कि आपको रियलमी X2 में मिला था। यहाँ पर आपको मिलेगा लीक्स के अकॉर्डिंग IPS LCD पैनल, और साथ में होगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, जो चाइना में है रियलमी X50M, ये इंडिया में आ सकता है सेम रियलमी X3 के नाम से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। बाकी कुछ भी कंफर्म होते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूँगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पिछली वीडियो में आपने 10,000 लाइक क्रॉस कर दिए, मज़ा आ गया देख के। यहाँ भी अगर थोड़ी कृपा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज़ आने वाले हैं। एक सरप्राइज़ डिस्क्रिप्शन में है, वो भी चेक कर लेना, आपको बहुत ही पसंद आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं Xiaomi के बारे में, तो यहाँ पर आपको Xiaomi के 2 से 3 फ़ोन देखने को मिल सकते हैं। Redmi 9A, Redmi 9 और Redmi Note 9। Redmi 9 और Redmi 9A, ये दोनों रहेंगे बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन। मुझे एक उम्मीद है Redmi 9A से, ये आपको अच्छी प्राइसिंग पे मिल जाएगा। Redmi 9 मुझे लगता है इस बार उतना कमाल शायद नहीं कर पाएगा। अगर मैं Redmi Note 9 की बात करता हूँ, तो ये है Redmi Note 9, जो आपको इंडिया में मिल जाएगा 11-12 हज़ार के बीच में। और आपको यहाँ पर मिल रहा है MediaTek Helio G85 प्रोसेसर, जो कि इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही है। हम सब जानते हैं Realme Narzo 10 में हमें मिल रहा है MediaTek G80 प्रोसेसर, जिसका प्राइस है 12,000। अगर ये फ़ोन आता है 12,000 से कम की रेंज में इंडिया में, तब मैं कहूँगा तहलका मच सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है और आपको फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले भी मिल रहा है इसमें। तो देखते हैं कब इंडिया में ये लॉन्च किया जाता है। उम्मीद ही है कि बहुत ही जल्दी ये फ़ोन इंडिया में आ जाएगा अच्छी प्राइसिंग पे। हमारा अगला फ़ोन है पोको की तरफ से, पोको M2 Pro। आप में से काफ़ी लोग इस फ़ोन का वेट कर रहे हैं। हालांकि इस फ़ोन में कुछ हमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी देखने को नहीं मिलने वाला, जो हमें ऑलरेडी मिल रहा है Redmi Note 9 Pro में, उसी टाइप का आपको मिलेगा पोको M2 Pro लीक्स के अकॉर्डिंग स्नैपड्रैगन 720G के साथ। बट थोड़ा सा प्राइस उसका कम रहेगा Redmi Note 9 Pro के कंपैरिजन में। फीचर्स भी वहाँ पर थोड़े से वहाँ कम किए जाएंगे Redmi Note 9 Pro से। इस तरह का आपको डिज़ाइन मिल सकता है पोको M2 Pro का। अब दोस्तों, ये फ़ोन बिल्कुल भी दूर नहीं है, क्योंकि इसको ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। तो मान लो आप जून में आपको इंडिया में ये फ़ोन देखने को मिल सकता है। हमारा अगला फ़ोन भी है पोको की तरफ से, पोको F2 या फिर पोको F2 Pro। इनमें से भी कोई फ़ोन हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। अब दिक्कत यह है कि एक फ़ोन ग्लोबली लॉन्च हो चुका है पोको का, पोको F2 Pro, जो कि सेम फ़ोन है Redmi K30 Pro, जो कि Xiaomi का चाइना में लॉन्च हुआ था। अब एक कन्फ्यूज़न चल रही है कि इंडिया में पोको F2 Pro ही लॉन्च किया जाएगा, या फिर Xiaomi की तरफ से आएगा Redmi K30 Pro और पोको F2 इंडिया में अलग से लॉन्च किया जाएगा। इसको लेकर पूरी कन्फ्यूज़न हो रखी है मार्केट में। मेरे अकॉर्डिंग आपको इंडिया में पोको की तरफ से सरप्राइज़ मिलने वाला है। पोको F2 अलग से इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जो पहले लीक्स आ रहे थे उनके अकॉर्डिंग आपको इंडिया में मिलेगा पोको F2 प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन, यानी कि आप मान सकते हैं 20-22 हज़ार की रेंज का फ़ोन, जो पोको का फ्लैगशिप किलर फ़ोन है। ये देखना होगा कब लॉन्च किया जाता है, जहाँ पर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 865। इसको लेकर अभी डाउट चल रहा है, तो जैसे ही कुछ कन्फर्म होगा मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूँगा। फिलहाल मुझे आप बताओ, आपको इसके बारे में क्या लगता है, इंडिया में कौन सा फ़ोन लॉन्च किया जाएगा पोको की तरफ से, पोको F2, पोको F2 Pro या फिर Redmi K30 Pro ही पोको F2 Pro के नाम से, बताना मुझे कमेंट्स में। अब बात करते हैं हम सैमसंग के बारे में। सैमसंग के आपको दो फ़ोन देखने को मिलने वाले हैं, और ये दोनों रहेंगे M सीरीज़ के स्मार्टफोन। ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर सामने आ चुके हैं। वैसे ही मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ये दोनों फ़ोन कंफर्म हो चुके हैं। इनके नाम क्या होंगे इसको लेकर अभी डाउट है, बट फ़ोन ये दोनों आने वाले हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, एक आएगा फ़ोन जो कि सैमसंग गलेक्सी A51 की तरह होगा,
पंच और डिस्प्ले के साथ, लेकिन डिज़ाइन उसका थोड़ा चेंज किया जाएगा A51 के कंपैरिजन में और प्राइस भी इसका कम रहेगा A51 से। जो दूसरा फ़ोन है एम सीरीज़ का वो मेरे अकॉर्डिंग रहेगा बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M11। बाकी इनके नाम कन्फर्म होते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फ़ोन ही आने वाले हैं ये बात कन्फर्म है, अंदर की बात है, किसी को बताना मत। हमारे अगले फ़ोन हैं इन्फिनिक्स की तरफ से। इन्फिनिक्स के आपको दो फ़ोन देखने को मिल सकते हैं जिनमें से एक फ़ोन बिल्कुल कन्फर्म है, यह है इन्फिनिक्स पोर्ट 9। ये फ़ोन अप्रैल में लॉन्च होना था, लॉकडाउन के चक्कर में काफ़ी डिले ये फ़ोन हो चुका है। यहाँ पर आपको मिलेगा मिरेडेक A25 प्रोसेसर। अब दोस्तों मैं क्या कहूँ आपको, अगर इसका प्राइस अच्छा रहेगा तब तो बात बन सकती है, बट जहाँ तक भी कह रहे हैं ये आपको मिलेगा फ़ोन 8-9 हज़ार की रेंज का, तो ऐसे में ये प्रोसेसर मेरे अकॉर्डिंग जस्टिफाइड नहीं है, तो इसका वेट करना मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बनता। दूसरा फ़ोन है इन्फिनिक्स नोट 7। बाहर ये फ़ोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इंडिया में ये फ़ोन जल्दी आने वाला है। अब डाउट ये है कि ये भी फ़ोन जून में ही आएगा या फिर जुलाई में लॉन्च किया जाएगा, इसको लेकर थोड़ा डाउट है। डिज़ाइन इस फ़ोन का काफ़ी सही है जैसे कि आप देख सकते हैं, और आपको यहाँ पर मिल रहा है मिरेडेक किलो G70 प्रोसेसर। तो देखते हैं किस प्राइस पर ये फ़ोन लॉन्च किया जाता है, उम्मीद है 10-11 हज़ार के आसपास ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा। हमारा अगला फ़ोन है नोकिया की तरफ से, नोकिया 8.3 और नोकिया 5.3, ये दोनों फ़ोन भी आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो नोकिया 8.3 है, ये आपको मिलेगा 25-30 हज़ार के आसपास की रेंज का स्मार्टफोन, और तो नोकिया 5.3 है ये रहेगा एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन। तो वेट करते हैं हम, क्या बैक साइड है नोकिया के लिए बताना मुझे कमेंट्स में। मुझे लगता है नोकिया को फोकस करना चाहिए ऑनलाइन सेंट्रिक मार्केट पर। फिलहाल नोकिया सारे फ़ोन लॉन्च करते हैं ऑफलाइन मार्केट के लिए जिनका प्राइस बिल्कुल भी प्रोसेसर वगैरह के हिसाब से जस्टिफाई नहीं होता। तो अब अगर ये फ़ोन आता है ऑनलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन बनके, फिर तो टेल का बच सकता है। जैसे कि आया था इंडिया में नोकिया 6.1 प्लस, वो फ़ोन काफ़ी अच्छा था अपनी प्राइसिंग पे। अब नोकिया 8.3 से भी मुझे काफ़ी उम्मीद है, अगर ये आता है ऑनलाइन सेंट्रिक फ़ोन की तरह 25-30 हज़ार के आसपास की रेंज में, फिर तो मज़ा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर है 5G प्रोसेसर। तो देखते हैं कुछ और कन्फर्म होते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। स्नैपड्रैगन 765G आपको यहाँ पर मिल रहा है। कुल मिला के दोस्तों बात ऐसी है, अगर आपको 22-23 हज़ार की रेंज का फ़ोन लेना है तब आप वेट कर सकते हैं, बट अगर आपको फ़ोन लेना है 15-20 हज़ार के बीच में, मतलब 17-18 हज़ार की रेंज में, तब मेरे अकॉर्डिंग वेट करना नहीं बनता, क्योंकि उस प्राइस पे फिलहाल कोई भी स्ट्रॉन्ग फ़ोन सामने नहीं आ रहा निकल के जो कि लॉन्च होने वाला हो। जो रियलमी X3 है वो आपको मिलेगा 20-22 हज़ार की रेंज में, उसका वेट करना बनता है। और जो Mi 10 यूथ एडिशन था चाइना में कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था, उसको लेकर अभी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है कि इंडिया में वो फ़ोन कब लॉन्च किया जाएगा। इन सब के अलावा और कोई भी फ़ोन नहीं है जो कि आपको 15-16-17 इस रेंज में देखने को मिलने वाला हो। तो सैमसंग के फ़ोन हैं उनको देखना होगा किस प्राइस पे वो निकल के आते हैं, उन पे बस है कि इस प्राइस पे वो आ सकते हैं, बट प्रोसेसर वहाँ पर कौन सा होगा इसको लेकर डाउट है। जहाँ तक मुझे लगता है एक तो सैमसंग का फ़ोन आएगा जो कि आपको मिलेगा 10 हज़ार से कम की रेंज में, दूसरा फ़ोन आएगा जो आपको मिलेगा 15-20 हज़ार के बीच की रेंज में। ये एक ही फ़ोन है जो कि इस प्राइस पे आपको मिलने वाला है। अगर आपको सैमसंग का फ़ोन चाहिए उस सेगमेंट में तब आप उसका भी वेट कर सकते हैं। बाकी सैमसंग ए सीरीज़ का ऑफलाइन सेंट्रिक फ़ोन लॉन्च किया जाएगा, A31 वगैरह उस टाइप का फ़ोन आएगा जिसका वेट करना नहीं बनता, क्योंकि वो प्राइस के हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होने वाला प्राइस और प्रोसेसर के हिसाब से। जो वेट करना बनता है वो बनता है एक तो सैमसंग एम सीरीज़ का या फिर रियलमी X3 का। और पोको M2 प्रो की जहाँ तक बात है तो उसकी जगह पे आपको रेडमी नोट 9 प्रो ऑलरेडी मिल रहे हैं मार्केट में, लेकिन मैं वो फ़ोन आपको रिकमेंड नहीं करने वाला। मेरी जल्दी आपको एक वीडियो मिलेगी जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा 10 से लेकर 15 हज़ार में आपको कौन से फ़ोन परचेज़ नहीं करने हैं, उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल तो मुझे लगता है जून की जगह पे जुलाई में आपको धमाकेदार फ़ोन देखने को मिलेंगे। जो पिक्सल 4a लॉन्च होना था वो भी अब जून में आई थिंक लॉन्च नहीं हो रहा, वो भी होगा जुलाई में लॉन्च। और जो वन प्लस जेड लॉन्च होना था वो भी आपको जुलाई में ही देखने को मिलेगा। तो देखते हैं अब जुलाई में क्या धमाल होता है मार्केट में, अभी तो यही है जो कुछ भी है। मुझे उम्मीद है आपको कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से, अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।